झारखंड में आगामी चुनाव को देखते हुए कई पार्टियों ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर रांची में झारखंड पार्टी का 2 दिवसीय महाधिवेशन का आखिरी दिन था, जिसमें पार्टी के विस्तार को लेकर सभी जिलों के कार्यकर्ता राजधानी के निजी हॉल में एकजुट हुए। झारखंड पार्टी के महाधिवेशन के दूसरे दिन नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा के बाद झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का ने कहा कि झारखंडियों की कई ऐसी समस्याएं हैं जिसके समाधान के लिए स्थानीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी गंभीर नहीं है। इसी को देखते हुए राज्य की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी झापा एक बार फिर अपने पुराने तेवर और नई सोच के साथ लोगों के बीच आ रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव में 81 विधानसभा सीटों पर झापा अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये चुनाव के समय घोषणा पत्र करके आए हैं, जनता को घोषणा किया है कि हम 5 लाख रोजगार देंगे। कहाँ है वो रोजगार? ये लोग घोषणा करके आए हैं कि हम 1935 की खतियान लागू करेंगे। कहाँ गए उनके सारे कानूनी जानकार, कानूनी सलाहकार? ये सारी चीजें जनता को धोखा देने वाली है। हम लोग 1935 का खतियान हमारा मांग है और उसको किसी भी हालत में लेकर रहेंगे। जनता के साथ संघर्ष में हम साथ में, युवाओं के रोजगार को लेकर हम लोग संघर्ष में साथ में हैं और तमाम तरह का जो आंदोलन अभी चल रहा है यहाँ के लोगों के हित में, झारखंडियत की पहचान के लिए, उसके लिए हम सारे लोग एकमत होकर जनता के बीच जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में हमारी सत्ता हो, झारखंड पार्टी की सत्ता हो और उसके आधार पर हम लोग तय करें कि झारखंडियों का अधिकार कैसे मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 3 उपाध्यक्ष बनाया है, श्री एनुल हक अंसारी जी, श्रीमती अर्पणा हंस जी और ओम प्रकाश अग्रवाल जी। इसके साथ ही हमारे पार्टी में 2 महासचिव बनाए गए हैं, श्री उमेश कुमार पांडे और ललित समद महासचिव होंगे। सचिव सह प्रवक्ता श्रीमती अंशु लकड़ा, आनंद कौल तिर्की, महेंद्र जामुदा और संतोष महतो बनाए गए हैं। ये लोग प्रवक्ता की भी भूमिका निभाएंगे। हम लोगों ने अपने संगठन में मीडिया को देखने के लिए कुमार कामेश जी को मनोनीत किया है। संगठन सचिव जो विभिन्न जिलों में पूरे झारखंड में संगठन की बागडोर देखेंगे, संगठन सचिव हम लोगों ने श्रीमती रोज प्रतिमा सोरेंग जो जिला परिषद सिमडेगा की अध्यक्षा है उनको बनाया है, सतीश कुमार सिंह, लियोनार्ड खलखो और शेखावत अंसारी संगठन सचिव होंगे। इनके साथ ही 8 हमारे विभिन्न जिलों से कार्यकारिणी समिति के सदस्य बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त दुर्गा प्रसाद जामुदा पूर्व सांसद और संदेश एकता विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इनके साथ ही जितनी भी हमारी अनुसंगी इकाई है, चाहे वो महिला संघ हो, चाहे वो युवा संघ हो, चाहे वो छात्र संघ हो, मजदूर संघ हो और बुद्धिजीवी मंच, सबके अध्यक्ष और महासचिव विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे झारखंड पार्टी के। सभी जिला कमेटी के अध्यक्ष और महासचिव भी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। ये हमारा संगठन का कार्य रूप है। इसके अतिरिक्त झारखंड पार्टी ने 3 वर्षों के लिए अपनी कुछ विशेष कार्यक्रम तय किए हैं जिसके आधार पर हम लोग जनता के बीच जाएंगे। आने वाले चुनाव में किस तरह से हम जनता को अपनी बातों को विशेष रूप से रख सकेंगे, यहाँ के झारखंड के आदिवासियों के लिए, झारखंड के मूलवासियों के लिए, झारखंडियों के हित के लिए किस तरह से झारखंड पार्टी संघर्ष करेगी, वो हम लोगों ने तय किया है, उसके आधार पर हम लोग आगे जाएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।